हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ओडिशा बीएससी नर्सिंग का जो सीट अलॉटमेंट रिलीज हो गया है, सो कैसे चेक करना है आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो मेक श्योर करिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि एक स्पेशल चैनल बनाया गया ओडिशा बीएससी के नर्सिंग के रिलेटेड, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बात देखिए आज की नहीं है, बात अगले कुछ सालों की, जब तक आप पढ़ाई करेंगे। तो जब आप पढ़ाई करेंगे, आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, आपके वाइवास होंगे, आपके इंटर्नशिप्स होंगे, आपके कल्चरल इवेंट्स होंगे, आपके टेक्निकल इवेंट्स होंगे, आपके टेक्निकल फेस्टिवल होंगे, प्लेसमेंट फेस्टिवल होंगे, कल्चरल फेस्टिवल होंगे, तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए यह स्पेशल चैनल बनाया गया है इंडियन एडवांस स्टडीज़। तो आपको सही तरीके से करके सही इन्फॉर्मेशन पाना है, यही आपका मकसद है, यही हमारा भी। तो आपको क्या करना है, किसी ब्राउज़र में google.com ओपन कर लेना, और वहाँ पर आपको टाइप करना है ओडिशा बीएससी नर्सिंग 2020 IAS पर। IAS पर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है, यहाँ पर आपको ओडिशा बीएससी के नर्सिंग के रिलेटेड सारे अपडेट्स, सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आते हैं। तो मेक श्योर करें यहाँ पर IAS पर लिखने के बाद आप सर्च कर लें। यहाँ पर आप जैसे सर्च करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ओडिशा बीएससी नर्सिंग, पहले पे आ जाएगा। जैसे आप लिख के IAS पर लिखेंगे तो यहाँ पर पहले पे ही आ जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ रहना चाहिए IAS.net, और यहाँ पे ओडिशा बीएससी नर्सिंग 2020 लिखा हुआ रहना चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू टैब में ओपन होएंगे, तो यहाँ पर कुछ जूम कर दिया है जिससे आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाए। यहाँ पर देख सकते हैं ओडिशा बीएससी नर्सिंग सीट अलॉटमेंट ओके रिलीज हो गई है। तो मैं बता रहा हूँ कैसे करना है आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, पहले फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है, यहाँ पे फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट हैज बीन रिलीज ऑन 11th नवंबर, यानी आज का डेट, यहाँ पे आज के दिन रिलीज हो गई है। तो यहाँ पे जो आप सामने आपके फॉर्म आएगा, तो इस फॉर्म को भर दीजिए। बताऊँ कैसे भरना है, देखिए यहाँ पे आपको आपका फुल नेम रहेगा, जो आपका पूरा नेम सरनेम के साथ, वो यहाँ पर डालें, और यहाँ पर आपका ईमेल आईडी, जो भी आपका ईमेल आईडी है वो यहाँ पर डाल दें सिंपल। फिर यहाँ पर आपका जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो यहाँ पर डाल दें ओके। फिर यहाँ पे आपका जो यहाँ पे जो मोबाइल नंबर वो यहाँ पे डालिए। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट योर करेंट स्टेट, आप कहाँ से हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आंध्र प्रदेश है तो आंध्र प्रदेश पे क्लिक करूँगा, अरुणाचल प्रदेश है तो अरुणाचल, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली NCR, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, अब कहीं का भी हो सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर का हूँ। जम्मू एंड कश्मीर का कहाँ का रहने वाला हूँ, सेलेक्ट योर करेंट सिटी। जम्मू एंड कश्मीर का मैं जम्मू में रहने वाला हूँ, तो कश्मीर में रहने वाला हूँ, तो वहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट योर कोर्स कैटेगरी इंटरेस्ट, आप कौन से कोर्स में इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग पे हूँ, तो इंजीनियरिंग पे इंटरेस्ट हो तो इंजीनियरिंग पे सेलेक्ट करूँगा। अगर मैनेजमेंट तो मैनेजमेंट, डिस्टेंस लर्निंग, BCA, MCA, फैशन डिजाइन, आर्किटेक्चर, मीडिया, जर्नलिज्म, आर्ट, लॉ, साइंस, ह्यूमनिशन, मैथ, मल्टीमीडिया, फाइनेंस, अकाउंट, आप किसी भी कोर्स में इंटरेस्ट हो सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जिस कोर्स में भी इंटरेस्ट होता है, फाइनेंस में, तो फाइनेंस पे सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, जो भी आपने कंप्लीट किया है, तो वो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। 10th है तो 10th, 12th है तो 12th, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, मास्टर, PG, जो भी आपने कंप्लीट किया है उसको क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है। तो जैसे आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे आपको क्या होगा, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है गेट फ्री काउंसलिंग, तो इसको आपको क्लिक कर देना है। गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक करने से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको SMS आएंगे, आपके ईमेल आईडी कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट SMS आएंगे ओडिशा बीएससी की नर्सिंग के रिलेटेड। तो आपको क्या करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट पे क्लिक करके फिर उसके बाद आपको कट करना। तो यहाँ पे आपको नीचे दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको येलो बॉक्स में हाईलाइटेड किया हुआ है, यहाँ पे क्लिक टू चेक लिस्ट, और यहाँ पे वीडियो बनाए थे हम लोग जो काफ़ी अच्छा बच्चों का रिस्पॉन्स आया था। यहाँ पे आपको जो गुड न्यूज़ देता हूँ, यहाँ पे जो गुड न्यूज़ है, यहाँ पे देखिए देश के 7th टॉप यूनिवर्सिटी में फुल फ्लो में एडमिशन चालू। तो मैं आपको आइए रिकमेंड करता हूँ यहाँ पे जाके एडमिशन ले। यहाँ पे क्या है, NMAT, IBSET, मानव रचना यूनिवर्सिटी, बैनर्ड यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी, एंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अप्लाई नाउ करके एडमिशन लेना है। तो इन यूनिवर्सिटी में क्या होता है, इसमें पूरे देश के बच्चे आते हैं, और इतना ही नहीं हमारे देश के बच्चे आते हैं, सिर्फ इतना ही नहीं पूरे दूसरे देश के बच्चे आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए। तो जब आप फ़ौरन के बच्चों के साथ खेलते हैं, बातें करते हैं, लिखते पढ़ते रहते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, तो क्या होता है, आपका कल्चरल एक्सचेंज होता है, आपका टैलेंट एक्सचेंज होता है, आपका नॉलेज एक्सचेंज होता है, आपका माइंड सेट एक्सचेंज होता है।
तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ, तो यहाँ पे आप जाके एडमिशन ले, अप्लाई नाउ करें। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ज़रूर एडमिशन ले लेता। तो आप चलिए देखते क्या करना है आपको। यहाँ पे देखिए, ओडिशा ओडिशा बी एस सी नर्सिंग फर्स्ट राउंड सेट अलॉटमेंट, सेट अलॉटमेंट हैज़ बिन रिलीज ऑन 11 नवंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लिक क्लिक करके यहाँ पे चेक करने के लिए, तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे पीडीएफ न्यू टैब में ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जूम कर दो जिससे आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाए। ठीक, फिर यहाँ पे मैंने जूम कर दिया, तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं, जूम करके दिखाऊँ, यहाँ पे स्टूडेंट्स नेम लिखा हुआ है, एप्लीकेशन नंबर पहले, फिर स्टूडेंट नेम, फिर रैंक, फिर इंस्टीट्यूट नेम, जो नेम रहेगा कॉलेज का, नर्सिंग का टैग, तो जो भी नेम है यहाँ पे है, और यहाँ पे टाइप है, यहाँ पे चॉइस नंबर है, यहाँ पे कैट नेम एंड रिस्क रैंक, तो यहाँ पे सब दिया हुआ है। यहाँ पे आपको अच्छे से आपका चेक करना है, आपका कहाँ पे क्या है सीट अलॉटमेंट, तो यहाँ पे आपको चेक कर लेना है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट करें। ऐसे वीडियो फ्यूचर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करिए, वीडियो पसंद आती है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।